वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर करने वाली हूँ वो कुछ अलग कुछ हटके है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ, किस मतलब कौन सा टॉपिक पर, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ना मेरे घर में ना आज सफ़ेदी करने के लिए आएंगे लोग। सफ़ेदी मतलब पूरा घर का सफ़ेदी नहीं करवा रही हूँ, वाइट वाश, क्योंकि हमारी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम पूरा काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अभी दिवाली भी आ रहा है, तो इस घर में ना बहुत ज़्यादा ना छत में क्रैक मतलब आ रखा है कहीं कहीं पर, तो वही हम लोगों ने वो कर मतलब लीक कर दिया है, तो थोड़ा मतलब होगा छत ही। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ छत, बाकी होने के बाद भी दिखाऊंगी कि लोग कैसा करके गए हैं। तो इधर बस हॉल एक रूम और किचन बाथरूम का करवाऊँगी, क्योंकि ना बाथरूम का भी छत है जो पूरा थोड़ा क्रैक हो रखा है, तो बस तीन चार जगह का ही मैं करवा रही हूँ। तो ये देखिए गाइज कितना मतलब ना आप देख रहे होंगे, जबकि मैंने ना बीच बीच में ना छुड़ा भी रखा है इसे, तो इसी तरीके से ना पूरा छत ही है ये वाला, उधर भी देख। तो इस तरह से ना सारा छत का मतलब वो उखड़ रहा है, पेंट उखड़ रहा है, और काफी टाइम से है, जब से मतलब हम लोग करीब करीब यहाँ आए हैं ना तभी से मतलब है, लेकिन किसी कारण बस से हम लोग नहीं करवा रहे थे। तो अभी सोचा कि दिवाली भी आने वाला है तो थोड़ा साफ सफाई करवा लेती हूँ, तो आधा ही घर का हम लोग करवाएंगे। उधर स्टोर रूम भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये पूरा छत ही मतलब इसी तरीके से हो रखा है। तो अभी ना दिवाली भी आने वाला है तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा कुछ करवा लेती हूँ, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना यहाँ तभी से ऐसा ये क्रैक मतलब पेंट उखड़ रहा था, लेकिन किसी कारण बस से हम लोगों ने ना करवाया नहीं। और अभी थोड़ा सा दिवाली भी आने वाली है ना, तो सोचा कि चलो थोड़ा इसी बहाने साफ सफाई हो जाएगा, लेकिन पूरा घर का हम लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे ना तबीयत अभी उतना ठीक नहीं है, तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए सिर्फ छत छत करवाएंगे। तो आप लोगों को ये भी मैं दिखाऊंगी कि वो लोग करके कैसे गए हैं छत, मतलब जब कम्प्लीट हो जाएगा ना काम, फिर मैं उसका भी वीडियो मतलब ऐड करूँगी इसमें। इधर भी मैं दिखा ही देती हूँ, पूरा आपको होम टूर ही दे देती हूँ, स्टोर टूर ही दे देती हूँ। तो इसमें आप लोग इधर पूरा एक ना ये देखिए सारा ग्रोसरी का मैं कुछ कुछ रखती हूँ इधर सामान, दाल वाल इसको भी फेंकवाना है, ये जो आप देख रहे हैं ना शोकेस वो भी बहुत पुराना है, टूटा फूटा है इधर सारा। इधर देखिए तो जब बन जाएगा ना फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, बनने के बाद भी मैं दिखाऊंगी कि कैसा वो लोग बनाए हैं, उन लोगों का काम कैसा है। तो सोचा कि अभी मुझे फटाफट याद आया, क्योंकि अभी ना वो लोग आने वाले हैं, और तो मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ। अब पूरा घर तो थोड़ा मेसी हो ही रखा है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ कर नहीं रहे हैं ना, जब तक कि काम मतलब ना हो जाए तब तक थोड़ा ऐसे ही मतलब, जब तक कहता है ना घर में कुछ टूटा फूटा रहता है तो लगता है कम्प्लीट हो जाए फिर साफ सफाई शुरू करेंगे, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ये लोग खरोचे हैं, अभी बाथरूम और एक रूम का ये है, तो मैं वो दिखाती हूँ। अभी तो मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, पूरा एकदम गंदा ही हूँ मैं, ये पूरा खरोच कर गए हैं ये लोग पूरा इस तरीके से। और पूरा ढक दिए हैं प्लास्टिक से, देखिए अरे कितना धूल है एकदम, पूरा प्लास्टिक से ढक दिए हैं, कहता ना कि। तो अभी वो ये वाला रूम, ये तो किचन है ना, वो वाला रूम अभी किए हैं ये लोग, और अभी साफ ठीक से नहीं करके गए हैं, क्योंकि ये ना जैसे फिर कल फिर से शायद आएंगे या मंडे से आएंगे, मुझे नहीं पता है, आज तो फ्राइडे है, तो कल सैटरडे को देखती हूँ आते हैं कि नहीं, अगर कल नहीं आया तो मंडे को। तो मैं इधर का थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इनको फिर से काम करना ही है, तो ज़्यादा साफ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अभी मैं बाथरूम दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए पूरा एकदम छत इस तरीके से हो रखा है पूरा, ये लोग सारा तोड़े हैं ऊपर से, फिर इस पे करेंगे पूरा काम। तो आज बस दो ही जगह ये लोग किए हैं, अभी हॉल का बाकी है और किचन का बाकी है, तो देखती हूँ इसमें कब हाथ लगाते हैं वो लोग। और बहुत गंदगी फैलता है, काम खाली करवाने से नहीं होता, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है,
तो और आगे भी मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं।